Hey guys, welcome back to my channel. तो वैसे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बहुत टाइम से अपने माइनक्राफ्ट को पॉकेट एडिशन यानी अपने फ़ोन में खेल रहे हो और अभी आपने एक पीसी बाय करा है और आप चाहते हो कि आपके जितने भी पॉकेट एडिशन के वर्ल्ड थे वो आप अपने पीसी में यानी जावा एडिशन में भी खेल सकें, तो वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उन वर्ल्ड को अपने जावा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इससे पहले अगर आपने अभी तक माइनक्राफ्ट डाउनलोड ही नहीं करी अपने पीसी में, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि आप माइनक्राफ्ट जावा एडिशन यानी टी लॉन्चर को अपने पीसी में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक वर्ल्ड कन्वर्ट करने के लिए एक वर्ल्ड का होना भी ज़रूरी है। तो मैं अपने फ़ोन में जाता हूँ अपने पॉकेट एडिशन में और वहाँ पे एक वर्ल्ड क्रिएट करके और उसको मैं कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूँ अपने जावा में और अपने पीसी में खेल के भी दिखाऊंगा उसको। ठीक है, तो अपने फ़ोन की स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है फ़ोन में मेरी माइनक्राफ्ट ओपन हो चुकी है और यहाँ पे हम प्ले पे क्लिक करते हैं और क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएटिव ही रखता हूँ और इसका एक नाम दे देते हैं जो कि होगा पे टू जावा। तो इसका नाम हम रखेंगे पे टू जावा वर्ल्ड। तो हमारा पॉकेट एडिशन का वर्ल्ड है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने जावा एडिशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपना एक वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो अपना वर्ल्ड है क्रिएट हो चुका है और मेरे ख्याल से मैं एक स्नो बायोम में आया हूँ। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं और कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा, वो वहाँ पे भी शो होगा, जावा में बिल्कुल शो होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे डायमंड से अपना कुछ एक छोटा सा घर सा बना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना एक छोटा सा डायमंड का घर सा बनाया और इसको ही हम अपना जो है जावा एडिशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तब यहाँ से मैं सेव एंड क्विट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ये वर्ल्ड कहाँ से मिलेगा जो आप अपने जावा में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने जो भी फ़ोन का फाइल मैनेजर है उसमें चले आना है। तो यहाँ पर फाइल मैनेजर में मेरी थोड़ी दिक्कत है, तो यहाँ पर मैं जेड अचीवर का यूज़ कर रहा हूँ। आप भी जेड अचीवर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको जाना है एंड्रॉयड में डाटा में और यहाँ पे आपको ढूंढना है अपना माइनक्राफ्ट का फोल्डर। तो यहाँ पे मैं नीचे चले जाता हूँ और यहाँ पे आपको देख सकता है यहाँ पे मेरा माइनक्राफ्ट का फोल्डर है। इस पर क्लिक करते हैं, फाइल्स पे क्लिक करते हैं, गेम्स पे क्लिक करते हैं, मोजैंग, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि जो होगा माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में आपको अपना वाला वर्जन ढूंढना है, वाला वर्ल्ड ढूंढना है जो भी आपने अभी क्रिएट करा था। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये वाला है हमारा वर्ल्ड। ठीक है, ये वाला, तो इस वर्ल्ड को यहाँ से कॉपी करना है और अपने पीसी में डाल देना। ठीक है, तो पीसी में आप बहुत तरीके डाल सकते हो, डाटा केबल यूज़ करके या आप नियर बाय शेयर का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने अपने पॉकेट एडिशन का वर्ल्ड जो क्रिएट करा था वहाँ पे हमने अपने इसको पीसी में ले लिया है। उसके आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, यहाँ पे आपको साइट पे जाना है जिसका नाम है चंकर। तो यहाँ पे आप जैसे इस साइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप चाहे तो जिप वाला भी यूज़ कर सकते हैं या फोल्डर वाला भी। तो अभी मैंने जो फोल्डर डाला है तो हम फोल्डर वाला यूज़ करेंगे और जहाँ पे भी आपका जो भी वर्ल्ड होगा उसको यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा अपलोड का, उसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ वर्जन दिखाया जो कि जो मैं अपने पॉकेट एडिशन यानी बेडरॉक में खेल रहा हूँ वो ये वाला वर्जन है। इसका सोर्स वर्जन भी आपको दिखा रहा है, आप चाहो तो इसका वर्जन पुराना या नया भी कर सकते हो। तभी हमें अपने क्या नाम है जावा में खेलना है और जावा में अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि है जावा एडिशन का 1.19.2। तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, आप चाहो तो लेटेस्ट वाले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कन्वर्ट एंड डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड जो है कन्वर्ट हो चुका है, उसके लिए यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका वर्ल्ड जो है डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे डाउनलोड पे जाओगे तो यहाँ पे आपका वर्जन आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस वर्ल्ड जो कि वर्ल्ड है उसको आपको अपनी गेम में कैसे लाना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको इस वर्ल्ड को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कट या कॉपी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका टी लॉन्चर का ऐप होगा उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन फाइल लोकेशन,
इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव्स पे जाना है। सेव पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम आप कुछ भी सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ पे टू जावा वर्ल्ड, ठीक है। पे टू जावा वर्ल्ड में जाना है और उसके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, इसको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे इसको सिंपली कट कर दो और जो अपना टी लॉन्चर है उसको ओपन कर लो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपने जिस वर्जन में उसको कन्वर्ट करा है वही वाला वर्जन आपको ओपन करना है। तो मैंने इसमें करा था तो इसमें मैं आपको तो इसी में जाना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है। तो हम सिंगल प्लेयर में जाते हैं और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही देखना मिल जाएगा पे टू जावा वर्ल्ड जो कि हमने क्रिएट करा था। इस पर सिलेक्ट करके प्ले करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे प्रॉपर बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको लोड होने देते हैं। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में, लेकिन अगर आप बाद में आओगे तो शायद ये टाइम नहीं लगेगा। तो हमारा वर्ल्ड जो है पूरा लोड हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था वो भी यहीं पर ही है। और जो हमारी जो बायम थी स्नो बायम थी, तो अभी मैं जो खेल रहा हूँ वो अपने पीसी में खेल रहा हूँ। तो आपने देखा कि आप कितनी आसानी से जो अपने माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड है, जो पॉकेट एडिशन का वर्ल्ड है, आप उसको जावा में कन्वर्ट कर सकते हो। जो जावा का वर्ल्ड है वो ऐसे ही आप इसको पॉकेट एडिशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।